हिंदू मुस्लिम भाईचारे और एकता का प्रतीक है। ग्राम ककरदा गांव में सईद वाली पर पूरा गांव मिलकर कराते हैं हर साल धार्मिक अनुष्ठान। वहीं हनुमान जी के मंदिर पर सभी जातियों के लोग मिलकर पूजा करते हैं। देखिए दोनों समुदाय के लोगों की एकता की एक अनूठी मिसाल, जहां जात पात से बढ़कर है इंसानियत। मुरैना जिले की जोरा तहसील का गांव ककरदा हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों की एकता के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर हर साल सैयद वाली पर हिंदू और मुसलमान समुदाय के लोग मिलकर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो वहीं पास ही में बने हनुमान जी के मंदिर पर मुस्लिम समाज के लोग हिंदू समाज के लोगों के साथ मिलकर इस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा कर पूजा अर्चना भी करते हैं। वहीं बहुत कम देखने को मिलता है हिंदुओं के मंदिरों पर मुसलमान पूजा करते नजर आते हैं। इसी आस्था और एकता का प्रतीक भी कहा जाता है। जहां मुसलमान हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं और हिंदू सैयद वाली दरगाह जैसे पवित्र स्थान पर चादर चढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा आज ग्राम ककरदा में देखने को मिला, जहाँ पर मुस्लिम एवं हिंदू समुदाय के लोगों ने सामूहिक रूप से मिलकर सैयद वाली पर बहुत ही शानदार अनुष्ठान कराया और इसकी प्रसादी भी पूरे गांव के लोगों को एकत्रित कर आसपास के क्षेत्रों को लोगों को मजार दरगाह पर एकत्रित कर भंडारे का आयोजन भी कराया एवं एकता और भाईचारे का प्रतीक दिया। मुरैना से हाकिम सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आज हाकिम सिंह आज आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों भाई मिलके कितने धार्मिक कार्यक्रम कराते हैं उसकी एक झलक आपको दिखाऊंगा। ग्राम ककरदा में हूँ, यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों के लोग मिलकर एक सैयद पे हर साल कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। आज उसी अनुष्ठान में मैं आपको लेके आया हूँ। यहाँ पे सभी जातियों के लोग एकजुट होकर भाई भाई की तरह मिलकर यहाँ धार्मिक कार्यक्रम करा रहे हैं। आइए मैं आपसे मुलाकात कराता हूँ उन सभी लोगों से जो इस कार्यक्रम में शामिल है। क्या नाम है आपका? नवाब खान। खान साहब, आज ये कौन सा गांव है? ककरदा है। यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं, हिंदू भी है मुसलमान भी है, क्या कार्यक्रम है? ये सैयद वली पे पुण्य है। अच्छा, तो एक ही बार हुआ है कि हर साल होता है? हर साल होता है। तो मुस्लिम समाज के लोग करते हैं कि और भी समाज के लोग? सभी समाज करती, सब लोग समाज मिलकर करते। क्या नाम है आपका? पदम सिंह यादव। यादव साहब, आज कौन से गाँव में क्या कार्यक्रम चल रहा है? ककरदा गाँव में भंडारा है। किस चीज का भंडारा है? भंडारा सैयद वली का। तो मुस्लिम समाज के लोग ही कर रहे होंगे? नहीं, सातों समाज के लोग कर रहे हैं। कौन कौन सी समाज के लोग यहाँ आपके साथ खड़े हुए हैं? मुसलमान है, ब्राह्मण है, यादव है, जाटव है, सभी समाज के लोग। तो जब भी कोई कार्यक्रम, तो मंदिर पे भी ऐसे ही होता होगा कि एक ही समाज के लोग करते हैं? ऐसा ही होता है सभी मंदिरों का। मंदिर पे भी? मंदिर पे भी। हिंदुओं के मंदिरों पे भी क्या कार्यक्रम होते होंगे, तो क्या मुसलमान करते हैं कि सभी लोग समाज? सभी समाज के लोग करते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? ठीक है भैया, शर्मा। शर्मा जी, ये कौन सा गांव है जहाँ पे इतने लोग उपस्थित हैं? ककरदा। क्या कार्यक्रम है आज यहाँ? पुण्य का प्रोग्राम है आज का। किस चीज का प्रोग्राम है? सैयद वली का। तो कौन कौन सी जाति के लोग इसमें शामिल हैं? इसमें सब शामिल हैं, पंडित भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भाई हैं, सब। अच्छा, सभी सामूहिक रूप से मिलकर कार्यक्रम करते हैं? हाँ, सब। तो यहाँ मंदिरों पर भी होगा कार्यक्रम? हाँ, बजरंग वली का मंदिर है थोड़ी सी दूरी पे, तो वहाँ भी पुण्य का काम चलता है। कौन कौन से समाज के लोग कराते हैं? सभी समाज, अपने मुसलमान भाई। अच्छा, मुसलमान भी साथ रहते हैं आपके? तो भाई मतलब एकता का प्रतीक है तुम्हारा गांव? बिल्कुल, यहाँ पर मुसलमान भाई का मस्जिद है, वो सैयद वली है, बजरंग वली भी का स्थान है। जो भी स्थान है, जो मिलके सब सहयोग करते हैं, मुसलमान भाई, हिंदू भाई, जो भी प्रोग्राम होता है दम लगा कर साथ में करते हैं।